हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धेश ठाकरे एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में मैं आपको टर्टल टैंक या टर्टल एक्वेरियम का जो इन्वायरमेंट रहता है वो कैसा सेटअप करना है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने टर्टल टैंक एक बालकनी में सेटअप किया है, क्योंकि बालकनी एक आइडियल प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है कि जहाँ पर आप आपका टर्टल टैंक सेटअप कर सकते हो। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने टर्टल टैंक एक स्टैंड पर सेटअप किया है, क्योंकि जब मैं ये स्टैंड पे सेटअप किया है तो उसके कारण मेरे को जो नीचे का फ्लोर स्पेस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने को मिलता है। मैंने ये फ्लोर स्पेस पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये पेड़ पौधे लगाने का रीज़न यह है कि टर्टल्स को ये जो पेड़ है, ये जो अर्थन पॉट्स है, उस पर चढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ये एक आइडियल एनवायरनमेंट है बालकनी टर्टल टैंक सेटअप करने के लिए। ये वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने नीचे फ्लोर पे आइस भी प्लेस किया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई है और टर्टल्स को मैं जब रात को टर्टल टैंक से निकाल के रिलीज़ करता हूँ तो ये फ्लोर स्पेस में जब रिलीज़ करता हूँ तो फ्लोर का टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसके कारण फ्लोर का टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए मैं आइस का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट भी लगाई हुई है बालकनी को, जिसके कारण टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो आपको समर कंडीशंस या विंटर कंडीशंस में अकॉर्डिंगली आपको टर्टल टैंक का एनवायरनमेंट आपको चेंज करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर आपको चेंज करना पड़ता है।